सो गाइज दिस वॉज द व्लॉग 100th ऑफ पार्ट 2. आप लोगों ने देखा हम रेड फोर्ट आगरा गए. सबको जिसने नहीं देखा इनके सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. ये व्लॉग देखने के बाद वो वाला व्लॉग भी जरूर देखना एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कैसा लगा. सो रेड फोर्ट आगरा हम यहाँ पे गए थे. उसके बाद हम गए मिनी ताजमहल देखने, टेक्सटाइल वगैरह गए वहाँ पे हमारी जगह. आफ्टर दैट हमारा दूसरा जो जगह थी, दूसरी डेस्टिनेशन वॉज ताजमहल. तो इस व्लॉग में आप देखोगे ये जो है पुराने पार्ट 2 का रिकैप है. अगर नहीं देखा तो जाओ जल्दी जल्दी देख लेना इसके बाद. तो फिलहाल जो है पार्ट 3 एंजॉय करो. सो अब हम जा रहे हैं ताजमहल की तरफ. बस ने हमें छोड़ दिए पार्किंग में, हम जाएंगे पैदल. सो जब हम यहाँ पे रुके, यहाँ से हमें अंदर जाना था थोड़ा चल के. वहाँ पे हमें अपनी टिकट्स दिखानी थी एंड टिकट्स उनको दिखाने के बाद हमें वो गाड़ी में बिठा के ताकि हम अंदर जाते. सो थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी वगैरह हमें छोड़ दिया. यहाँ पे हम सब रुके, लाइक आधे 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 लोग आ रहे थे ये रुके, मैं भी यहाँ पे. हमें इससे अंदर बहुत जाना था फिर जाके ताजमहल था. सो हम बस चल रहे थे. और आपको जहाँ देखो वहाँ आपको अंग्रेज़ ही मिलेंगे, सिर्फ अंग्रेज़, सिर्फ बाहर के मिलेंगे. हम एंटर हो गए हैं. हमने एक टिकट दिखा दी है, अब दूसरी करके हमें गेट के अंदर जाके मिलेगी, वो भी दिखानी है हमें. उसके अंदर बाद एंटर हो गए ताजमहल में. सो लेट्स गो. ये एंट्री है, यहाँ से दूसरी टिकट करा के अंदर जाना है. ये इसके पीछे तो ये दो तीन बार टिकट विकेट चेक करा के हम अंदर आ गए थे. ऑब्वियसली मेरा फ़ोन डेड हो गया था तो मैं पापा के फोन से रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी. बहुत काफ़ी ज़्यादा क्राउड था. जो भी अंदर हुआ मैंने तो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की, बट जितना भी किया जो भी हुआ आई विल शो यू गाइस. सो देखते रहो. देखो गाइस, जो जिस ताजमहल के पीछे पूरी दुनिया पागल है वो ताजमहल की लाइफ में आज पहले कर अपने देख ही लिया. लाइक हाँ देख, ये है जी ताजमहल. क्राउड देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा काफ़ी क्राउड है. ये आगे ताजमहल है एंड ये हम चल रहे हैं अभी उस. गाइस डोंट थिंक ताजमहल देखना इतना ईजी है. चलना बहुत 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 चलना पड़ता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है. फिर चलने के बाद आपको अंदर एक और टिकट लेनी ताजमहल के अंदर जाने से पहले, फिर आप ताजमहल के गेट के अंदर एंटर. तो लाइक बहुत ज़्यादा चलना है, कोई ईजी नहीं है, ये बहुत टफ है, मतलब चलना बहुत ज़्यादा है. इसके इधर से टिकट करवा के फिर हम इसके अंदर जो है इधर से एंटर हो सकते हैं. ये मैं दिल्ली में जहाँ भी गई मैंने देखा कि जो भी कोई जगह पर्टिकुलर जगह महल वगैरह जो भी है उसके इर्द गिर्द जो है चारों तरफ से जो है पानी ही पानी है ताकि कोई इजीली एंटर ना हो सके. सो ये सर ताजमहल के अंदर नहीं गए हम, ये ताजमहल के बाहर से, ये ताजमहल के अंदर. यहाँ पे मैं टिकट लेके अंदर जाना था जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, बट हम नहीं गए. बहुत चल के हैं, बहुत थक गए हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं इधर, थोड़ा रेस्ट करें. पापा पता नहीं कहाँ, पापा आएंगे फिर हम टिकट करके जो अंदर निकल जाएंगे. यस हमने ना अंदर नहीं गए बिकॉज टाइम नहीं हुआ, बस हमें जल्दी जाना. उन्होंने बोला 4 बजे की टाइमिंग है, हमें पहुँचना है बस में वापस. तो 4 बज गए, हम लेट हैं, हम चलते हैं जल्दी जल्दी और बस लेट हो गया. अंदर नहीं जाने का मौका नहीं मिला अगली बार इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. Yes, yes, thank you. गाइस अभी ना साउथ कोरियन थे उधर पे, उनके साथ मैंने फोटो उठाई. दे वर लाइक वेरी स्वीट यार, प्रीटी प्रीटी मॉमी मॉमी. उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी बट मैंने तभी इधर उधर करके बात कर ली उनसे, बड़ा मजा आया यार. तो अच्छे थे गाइस. देखो अंग्रेजी अंग्रेज. सो गाइस मैंने काफ़ी फॉरनर देखे, आप देख सकते हैं साड़ी वगैरह पहन के थे लोग, उनसे फोटोज वगैरह खींच रहे थे, ये नाच रहे थे जहीं भी जहाँ कहीं भी गाने सुने लगे नाचने. ये सब तो लाइक काफ़ी अच्छा था. एंड उसके बाद हम बहुत 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 थक गए, हम गाड़ी पकड़ी हमने और हम निकल गए बस ढूंढने. हमें वहाँ से गाड़ी ना अब छोड़ा पार्किंग तक, यहाँ से जाएंगे हम बस में. हमारी वो शायद उधर है.
गाइस फाइनली बस में किसी के पास पावर बैंक निकला और उसको मुझे दे दिया। अब मेरे फोन से 1% की बैटरी फल रहा है, अभी चार्ज हो जाएगा, मैं आप लोग मिलते हैं चार्ज होने के बाद। सो गाइस बस अभी फिर से जा रही हूँ वृंदावन के टेम्पल, बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं जाने के, हमने पूछा दिल्ली जाने के वृंदावन, इन लोगों ने बोला वृंदावन, तो हम उधर जा रहे हैं। सो ताजमहल से निकलते निकलते हमें काफ़ी लेट हो गया, फिर हमें दो और जगह जाना था, वृंदावन और एक जगह जाना था, आई फॉरगॉट दैट। फिर बस ड्राइवर ने बोला कि सीधे दिल्ली चले जाते हैं, बट लोगों ने नहीं माना, बोलते हैं हम आए हैं तो वृंदावन से ही जाएंगे, तो फिर उधर जाते रहते। फिर हमें बहुत लेट लगा, हम वृंदावन के टेम्पल उधर रुकाया कोई आधा एक घंटा ज़्यादा ही, फिर लाइक उधर रुकाया, फिर उन्होंने टेम्पल वगैरह दिखाया, हम नहीं गए बट जिन लोगों ने जाना था वो लोग चले गए, उसमें हमें काफ़ी लेट हुआ। गाइस ऑब्वियसली रात को लेट हो गया था, तो वृंदावन का टेम्पल ये आप लोग देख सकते हैं बंद हो चुका था, फिर भी ये लोग गए कहीं से, आई डोंट नो, मगर ये गए फिर वापस आ गए, बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। हम लोग बस क्या गाड़ी में बस में बैठ के हम लोग वी वर वेटिंग फॉर दोस्त कि वो कब आएंगे वापस एंड हम फिर से निकलेंगे। ये सब कुछ टेम्पल वगैरह उसके बारे में जो इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं फिर भी मैंने कैप्चर कर लिया था कि आप लोगों को दिखाऊं, किसी को कुछ पता होगा तो वो देख लेगा, एंड या मुझे उतना कुछ पता नहीं इसके बारे में। यार गाइस वो लोग वृंदावन से आ ही नहीं रहे हैं, इसे वेट करे, वो निकल ही नहीं रहे वृंदावन से। अब हम बाहर आए, मुझे अंदर कुछ स्वस्थ हो गई है, अब हम बाहर आए पानी पी रहे हैं, मुझे यार प्यास लगी हुआ। दरवाजे देखो ना इसके, लगता है पुराना मंदिर है। वो आगे मंदिर जो गए थे वो सब आगे आए थे, हम बस में दिख रहे हैं, अब हम जाएंगे फाइनली, इसके बाद हम लंच करेंगे कहीं, फिर हम जाएंगे दिल्ली। में थक गए बहुत ज़्यादा, मैं ना थक गई हूँ, मुझे वो नहीं कुछ काले जैसे उठ गया, अंदर कुछ गर्मी हो गई एक ही जगह बैठ बैठ के। अब बाहर तरह राउंड मारने हैं, अब हम जा रहे हैं वापस बस में, फिर हम लंच करेंगे। मैं ओ हाँ मैंने फ़ोन भी चार्ज कर लिया, थैंक गॉड 50% हो गया, आई एम सो हैप्पी। अब चलो चलते हैं वृंदावन से निकलने के बाद। हम चल रहे थे तो आप देख सकते हैं कितने डेकोरेटिव ढाबे, कितना अच्छे से डेकोरेट वेकोरेट करके रखे थे, बिकॉज हमारे इधर लोग आते हैं वो तो खाते हैं, फिर रुकते हैं खाते हैं डिनर। सो हमने नहीं खाया, बट हम मैं तो सो गई थी, सच बोलूँ मैं सो गई थी बस रिकॉर्ड वकॉर्ड करने के बाद, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद चढ़ी थी एंड हम बहुत लेट पहुँचे थे। यार गाइज सुबह के 2 बजे हम पहुँचे जामा मस्जिद वापस दिल्ली फिर से, तो हम लाइक बहुत बहुत तंग आ गए थे, सब उनको देख सकते हैं आप। हम सीधा होटल चले गए, सीधा सो गए बिकॉज बहुत थक गए थे। होटल भी बंद हो गया। सो गाइज हम ना कल 2:30 पहुँच गए थे, फिर हम उसके बाद सीधे सो गए थे, अभी फिर 10 बजे उठे गए बाहर खाया वाया, अब आए हैं, अब हम जो है नया देखेंगे कहीं जाएंगे क्या, वो अगले व्लॉग में आप लोग देखना। फिलहाल ये व्लॉग इतना ही था, होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।